बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। और कुछ सीखें और सिखाएं में, तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो एक स्विच बोर्ड आर्ट की है। हम ये मार्केट से भी ले सकते हैं, मगर ये मार्केट से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हम इसे अपने घर पे भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मशक्क़त करके। मशक्क़त भी नहीं, मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल से सर्च किया और उसमें से एक अच्छा सा आर्ट निकाल लिया। आर्ट निकालने के बाद मैंने इसे यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है तो आप डायरेक्ट पेंट भी कर सकती हो, मगर पेंसिल से कर लोगे तो आप इसे रफ़ भी कर सकते हो। और मुझसे ये नहीं बन रहा था, तो मैंने मोबाइल पे जूम करके इसे एक पेपर पर ड्रॉ किया और उसके बाद इसे वॉल पर रख कर बना लिया। अब आइए देखते हैं कि इसे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपना आई लाइनर पेन, क्योंकि मुझे ब्रश पकड़ना नहीं आता। ब्रश पकड़ते तो मेरा हाथ काँपने लगता है। तो आईलाइनर पेन से भी बहुत अच्छा बनेगा और सेम स्टिकर लुक आएगा, बिकॉज़ कि ये शाइनिंग करता है। और आपको ये एकदम, मतलब यहाँ पे एकदम पतला भी है तो वहाँ पे भी अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको ब्रश पकड़ना आता है, आप अच्छे से ब्रश से कर सकते हो, तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये बनने पर हमारा कुछ ऐसा लगेगा। और इसका ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें लव नहीं था, मैंने लव अपने से ऐड कर लिया, मगर फिर भी मुझे ये कुछ अधूरा तो दिख रहा है। तो देखते हैं हम इसे क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे ग्रास ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले ही बता चुका कि मुझे ब्रश पकड़ना नहीं आता, इसलिए मेरी ग्रास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। आपको आता होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें फ्लावर्स ऐड कर दूँगी, और ये फ्लावर्स मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था, इसी को मैं ऐड कर दूँगी। और इस ग्रास में ऐड करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी क्या करते। वैसे मैंने हमेशा इस बोर्ड पे देखा था ये बनते हुए, मुझे नहीं पता था कि ये इस बोर्ड पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मगर यकीन मानिए ये इस बोर्ड पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि इस पर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हम ये फ्लावर्स, मैंने पहले से कट करा हुआ था पंच से, तो मैं इस फ्लावर्स को ऐड कर देती हूँ इसमें से सेलेक्ट करके कि मुझे कौन कौन से लगाने हैं, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे ये ग्रास लगने के बाद थोड़ा कंप्लीट ज़्यादा लग रहा है, कंप्लीट तो पहले भी था, ग्रास लगने पे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। सो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा। प्यार देना सिंपल है, लाइक कर दीजिएगा, आपका प्यार मुझे मिल जाएगा। और ये यकीन मानिए बहुत प्यारा लग रही है, मेरे एकदम प्लेन से रूम में बहुत अच्छा नया सा लुक ला रहा है। कि कोई भी अगर एंट्री करेगा ना, तो पहले बोर्ड को देखेगा और पूछेगा स्टिकर कहाँ से लाया। ऐसे स्टिकर लाया नहीं, मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी DIYs लाती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I miss you all the time. I wish that